नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथियन भाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम टॉप 25 क्वेश्चन जीके के कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो हर क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 3 से 4 सेकेंड का टाइम दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आराम हराम है यह किसका नारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंघाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वजन में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूना। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 23 है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन 24 देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है या कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्ला। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, शुभ दिन।